हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आज हम सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हमारा वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का एनालिसिस किया था और सारी वैल्यूज निकाली थी। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हें कैसे ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यह समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। स्टेप फर्स्ट, जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम होती है वो होती है स्पान अपॉन 12 टू स्पान अपॉन 15, यानी टोटल स्पान जो होता है बीम का उसका टोटल स्पान का 12 टू स्पान अपॉन 15 लेना है हमें ओवरऑल डेप्थ। और जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वह होता है कैपिटल डी माइनस कवर। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि जो मिनिमम कवर लेते हैं बीम में वो लेते हैं 25 mm में, mm का, यानी कवर हमें इससे ज़्यादा ही लेना है। और कई वैल्यूज जैसे स्लैब के लिए मिनिमम कवर होता है 15 mm का, कॉलम के लिए 40 mm का, फुटिंग के लिए 50 mm का। यह वैल्यू हमें याद रखनी है क्योंकि आगे जब हम कॉलम बीम, कॉलम स्लैब और फुटिंग पढ़ेंगे तो ये हमें यूज़ होगा। अब स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्सियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स। तो हमारे पास यहाँ से एक्सियो की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY AST अपॉन 0.66 FC के बी। यह कहाँ से आती है, इससे पहले की वीडियो में हमने यह देख चुके हैं। हम देखते हैं स्टेप थर्ड। यहाँ पे निकालेंगे हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एक्सियो मैक्स। तो एक्सियो मैक्स कितना होता है, Fe 250 के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए, वो होता है 0.53D, 0.48D एंड 0.46D। यह वैल्यू भी हमने लास्ट वीडियोस में निकाल चुकी है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे यह वैल्यू याद रखनी है। अगर एक्सियो हमारा एक्सियो मैक्स से कम होता है तो यह अंडर रेनफोर्स एक्शन होता है और हमें हमेशा सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करना है या फिर बैलेंस एक्शन डिज़ाइन करना है, ओवर रेनफोर्स एक्शन को अवॉइड करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टेप फोर। स्टेप फोर में हम करेंगे लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम। वह होता है डेंसिटी ऑफ बीम, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू वॉल्यूम ऑफ बीम। तो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कितना होता है दोस्तों, 25 kN/m³। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 25 और वॉल्यूम ऑफ बीम हमें पता है कितना होता है, बी इंटू डी इंटू एल। तो एल हमेशा 1 m के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, तो और फिनिशिंग लोड कितना कंसिडर करेंगे, 0.6 kN/m, अगर यह हमें दिया नहीं है तो। और लाइव लोड हमेशा गिवन रहता है। तो हमारे पास टोटल लोड कितना हो जाएगा, जो तीनों लोड को ऐड कर देंगे तो टोटल लोड हो जाएगा और फैक्टर लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 5। यहाँ पे निकालेंगे हम डिज़ाइन मोमेंट। जैसे कि हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम मोमेंट आता है सेंटर पे आता है और वह कितना होता है, WL² / 8। तो यहाँ से हम डिज़ाइन मोमेंट निकाल लेंगे। और जैसा कि हमें पता है मोमेंट कितना होता है बीम में, कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। कंप्रेशन फोर्स यानी कि 0.36 FC के XU और लीवर आर्म होता है डी माइनस 0.42 XU। यह कहाँ से आया था ये हमने लास्ट वीडियो में देख चुका है। तो हम यहाँ से मोमेंट दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं मोमेंट। हम देखेंगे स्टेप 6 में MU लिमिट यानी कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ यानी मैक्सिमम मोमेंट। मैक्सिमम मोमेंट कितना होता है, Fe 250 में होता है 0.148 FC के BD² Fe 415 के लिए 0.138 FC के BD² Fe 500 के लिए 0.133 FC के BD² अगर MU जो है MU लिमिट से कम है तो हम सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम डिज़ाइन करते हैं। तो हमें यह चेक करना है सारे क्वेश्चंस में डिज़ाइनिंग के। अब ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 7 जहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। यह वाला जो पहला फॉर्मूला है यह पेज नंबर 96 में दिया गया है IS-456-2000 के। वह है MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू डी 1 AST/BD FY/FC के। यह हमें पेज नंबर 96 में दिया गया है। और जो सेकेंड फार्मूला है वह डायरेक्ट हमें AST प्रोवाइड करता है जो कि हमें याद रखना है क्योंकि यह कोड में दिया नहीं गया है। वह होता है 0.5 FC के BD/FY इंटू 1 √1 0.446 MU/FC के BD². तो हम जैसे कि देखते हैं यह पहले वाले फार्मूले में हमें यहाँ पर AST बस गिवन नहीं होता तो यहाँ से डायरेक्ट AST निकल जाते हैं, या फिर सेकेंड फार्मूला का डायरेक्ट हम याद करके AST की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी टोटल एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, स्टेप नंबर 8 जहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ बार। तो हमारे पास टोटल स्टील का एरिया आ जाता है
तो उससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन बार डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार रहेंगे, यानी टोटल एरिया आ गया था स्टील का, और उससे हम किसी एक बार का एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आरसीसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी सेक्शन 230 इंटू 400 mm रेनफोर्स बिट फोर 12 mm बार इन टेंशन, द क्लियर कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज 30 mm, टेक M20 एंड Fe 415। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है ब्रेथ ऑफ बीम गिवन है जो कि है 230, ठीक है, डेप्थ दी गई है 400 mm दी गई है, हमें M20 दिया गया है, तो हमें पता है M20 है तो हमारे पास Fck कितना हो जाएगा, 20 kN पर mm² हो जाएगा। Fy हमें दिया गया है 415, तो हमारे पास यानी Fe 415 दिया गया है, तो Fy कितना हो जाएगा, 415 N पर mm² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है बार का जो है 12 mm, और नंबर ऑफ बार दिया गया है हमें 4, तो यहाँ से हम डायरेक्ट AST निकाल लेंगे, यानी कितना एरिया स्टील का, यानी एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 4 बार दिया गया है, और एरिया ऑफ वन बार कितना होता है, पाई बाई 4 D², तो यहाँ से हमें पर AST आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं, हमें कवर तो दिया गया है 30 mm का, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ निकाल देंगे, यानी कैप टोटल डेप्थ माइनस कवर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, यानी जहाँ से बार के सेंटर तक की दूरी आ जाएगी टॉप फाइबर से। हम स्टेप टू में देखेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स कर देंगे, तो हमारे पास XU की वैल्यू आ जाएगी, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हमें पेज नंबर 96 में भी दिया गया है डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर हमें याद भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास 0.87 इंटू 415 इंटू AST कितना आ गया था, 452.5.4 अपॉन 0.36, Fc के 20 दिया है और B कितना है हमारे पास, 230 है, तो यहाँ से हमारे पास XU की वैल्यू आ जाएगी, यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेनली हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या दिया है, वहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, यानी मोमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम इसके लिए। स्टेप थर्ड में हम देखेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि XU मैक्स कितना आ रहा है, तो XU मैक्स कितना आ रहा है, Fe 415 के लिए हमें पता है XU मैक्स कितना होता है 0.48 D, और डेप्थ हमें पता है यानी इफेक्टिव डेप्थ 370, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, XU मैक्स कितना है 177.6 mm, और XU हमारा कितना था, XU हमारा था 98.63 mm, तो हम यहाँ पे देखते हैं XU लेस देन आ रहा है XU मैक्स से, तो हमारा यह सेक्शन क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। हमने यह डिस्कस किया था कि हमें हमेशा अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारा XU XU मैक्स से कम आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फॉर्मूला है MU का कितना है 0.87 Fck AST D 1 - AST अपॉन BD Fy अपॉन Fck, यह पेज नंबर 96 में भी दिया गया है कोड के IS-456-2000 के, तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से सारी वैल्यू तो दी गई है, 0.87 Fy हमारे पास 415 है, AST हमारे पास निकाल लिया था हमने, D यानी इफेक्टिव डेप्थ है ये भी दिया है, AST निकाल लिया था, BD Fy अपॉन Fck, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, MU की वैल्यू आ जाएगी, यानी 53.77 kN/m। दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि हमें हमेशा यूनिट का खास ख्याल रखना है, जैसे हमारे पास सबसे पहले जब हम सारी वैल्यू का में रखेंगे न्यूटन एमएम में रख रहे हैं, तो हमारे पास जो एमयू आएगा वो कितना आएगा, 53.77 × 10⁻⁶ N/mm, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किलो न्यूटन मीटर में, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 53.77 kN/m, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है दोस्तों, या फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में कि मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये सेकेंड फार्मूला है, मतलब जैसे हमें ये फार्मूला याद नहीं रह पाया तो हमें ये फार्मूला काफ़ी याद रहता है क्योंकि ये ईजी है और हमने इसे निकालना भी सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो एमयू का फॉर्मूला कितना होता है, कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स कितना होता है 0.36 Fck XU इंटू बी इंटू लीवर आर्म की डिस्टेंस, लीवर आर्म कितना था, इफेक्टिव डेप्थ, तो लीवर आर्म कितना था, इफेक्टिव D - 0.42 XU, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट एमयू की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं,
अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रह पाया या फिर कोड नहीं है हमारे पास, ये फॉर्मूला काफ़ी इजी है क्योंकि हमने इसे निकालना भी सीखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम एमयू की वैल्यू कितनी आ रही है, 53.67 किलो न्यूटन मीटर, यानी इसी के आसपास आ रही है। तो हम दोनों फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे क्या पूछा गया है ये समझना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम देखते हैं। अ आरसीसी बीम ऑफ सेक्शन 300 mm क्रॉस 500 mm रेनफोर्स विद 4 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर विद एन इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर द स्पान ऑफ 5 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल यूडीएल ऑन द बीम, यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe 415। यानी क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम यूडीएल कितना लगा सकते हैं बीम में। ठीक है, यानी हमें डब्ल्यू मैक्सिमम यानी WU की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी W फाइंड आउट करना है, ये हमें दिया नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें दिया क्या क्या है यह सबसे पहले हम देखेंगे। गिवन क्या क्या है हमें, बिट टू बीम कितनी दी गई है, 300 mm दी है। कैपिटल डेप यानी कैपिटल दी यानी टोटल डेप्थ कितना दिया है, 500 mm। कवर हम अज्यूम कर लेंगे कितना, 50 mm का कवर अज्यूम कर रहे हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना जाएगा, 450 mm में जाएगा। और हमें 4 बार दिए हैं 20 mm डायमीटर के। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी हमें फाइंड आउट करना है XU। तो XU कितना होता है दोस्तों, तो इसके लिए हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है, यानी XU इज लेस देन XU मैक्स है। तो हम इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंशन फोर्स। तो टोटल कंप्रेशन फोर्स भी पता है हमें और टोटल टेंशन फोर्स का फॉर्मूला भी पता है, यहाँ पे बस XU अननोन है। तो हमारे पास यहाँ से XU की वैल्यू आ जाएगी 161.97 mm। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं थर्ड स्टेप जहाँ पे हम निकालेंगे XU मैक्स, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि हमारा सेक्शन क्या है, सिंगली यानी अंडर रेनफोर्स्ड है। तो हम यहाँ पर XU मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, Fe 500 हमें गिवन है, तो इसके लिए XU मैक्स कितना होता है, 0.46D। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी XU मैक्स की, 207 mm। ठीक है, तो हम चेक करेंगे XU और XU मैक्स की वैल्यू। XU की वैल्यू कितनी आ रही थी, 161.97। ठीक है, और XU मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 207। तो हमारे पास XU इज लेस देन XU मैक्स है, यानी हमारा सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे स्टेप 4, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो कंप्रेशन फोर्स कितना होता है, 0.66 Fc के XU * B। लीवर आर्म होता है D-0.42 XU। सारी वैल्यू हमें गिवन है, XU अभी हमने निकाल लिया था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 133.63 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें पता है कि MU का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, और जो हमारा MU होगा, MU किसके इक्वल होगा, WL² / 8, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है और सिंपली सपोर्टेड मैक्सिमम मोमेंट कितना आता है, WL² / 8। यहाँ पे जो W है वो फैक्टर्ड लोड है, यानी इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें W की वैल्यू चाहिए, यानी जो मैक्सिमम UDL हम कितना अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमें W की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो MU की वैल्यू यहाँ से आ गई थी हमारे पास 133.63 किलो न्यूटन मीटर। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास स्पान दिया गया है लेंथ 5 मीटर की और हमें 8 तो फॉर्मूला में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, फैक्टर लोड आएगा, वह आएगा 42.76 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या है, फैक्टर लोड आया है, यानी इसमें मल्टीप्लाई है किसका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो हम जो एक्चुअल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर लोड को डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्चुअल लोड एक्चुअल वेट आएगा, वह कितना होगा, 42.76 को डिवाइड कर रहे हैं हमने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी माना है 1.5 है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास एक्चुअल वेट कितना आ गया, W यानी 28.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। तो हम स्टेप 5 में देखेंगे कि जो मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड हम कितना लगा सकते हैं, यानी कि जो W यहाँ पर आया है दोस्तों, इसमें क्या क्या ऐड है, एक तो जो UDL हम इसमें लगा सकते हैं वो भी ऐड है, लेकिन जो बीम का वेट है वो भी तो इसमें ऐड है 28.5 किलो न्यूटन मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्सिमम यूडीएल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इसे घटा देंगे किससे, जो इसका सेल्फ वेट ऑफ बीम है। तो हमारे पास क्या जाएगा, मैक्सिमम यूडीएल आ जाएगा जो हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं स्टेप 5। यह कह रहा है सुपर इम्पोज लोड डेट बीम कैन कैरी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल लोड, यानी जो वैल्यू आई है 28.5 - सेल्फ वेट ऑफ बीम। तो हमारे पास क्या जाएगा, मैक्सिमम यूडीएल आ जाएगा। तो हम देखेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम कैसे निकालते हैं।
सेल वेट ऑफ बीम हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इंटू वॉल्यूम ऑफ बीम। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होती है 25 और वॉल्यूम निकाल लेंगे हम कितना हो जाएगा BDL। हमें दोस्तों यहाँ पे यूनिट का खास ख्याल रखना है, जैसे बी की वैल्यू यानी बिट दी है 300 mm, तो हम इसे काई में रखेंगे। जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है वो काई में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे बिट को भी जो mm से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बिट 0.3 हो जाएगा, डेप्थ कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा और लेंथ तो हम 1 मीटर अज्यूम करके चलते हैं। तो हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ बीम कितना आ रहा है 3.75 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड कितना हो जाएगा, एक्चुअल लोड माइनस सेल्फ वेट ऑफ बीम यानी कि 28.5 माइनस 3.75। तो हमारे पास क्या जाएगा मैक्सिमम सुपर इम्पोज लोड आएगा यानी UDL की वैल्यू हो जाएगी जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन समझ में आया। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम UDL निकालना है। मैक्सिमम UDL में जो हमारे पास यह लोड आया था एक्चुअल वेट में क्या क्या ऐड था, यहाँ पे हमारे पास UDL भी ऐड था प्लस सेल्फ वेट भी था, तो हमने क्या करा इसमें सेल्फ वेट को घटा दिया, तो हमारे पास क्या जाएगा मैक्सिमम UDL आ गया। तो दोस्तों जो सिंगल रेन्फोर्समेंट बीम होता है इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार हमें मोमेंट निकालने को देते हैं, कई बार डिजाइन करने को देते हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसमें क्या पूछा गया है क्या निकालना है इस बार का खास ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा काफ़ी ईजी ही होते हैं इसके, सारी जो हमने स्टेप्स पढ़ी हैं सारी यूज होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम को, यानी डबली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।